और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, हम जानकारी के साथ बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। बड़ी खबर जहां सिरोही में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश, तो मुस्लिम समाज ने हथियारों की फांसी की मांग की है और एक मिसाल पेश की जा रही है। यहां पर सिरोही में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई है। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज ने हथियारों की फांसी की मांग की है, हिंदू समाज को समर्थन देकर बाजार बंद का आह्वान भी किया है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद करने का आह्वान किया है, तो बड़ी खबर इस समय की जहां डीएम को ज्ञापन देकर हथियारों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि मुस्लिम समाज ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहे, जिला प्रशासन को सहयोग का आश्वासन भी दिया गया है। सिरोही में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई है। हिंदू के समर्थन में मुस्लिम लोग आए हैं, मुस्लिम समाज ने हथियारों की फांसी की सजा की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने सभी आमजन से अपील की है किसी भी प्रकार की अफवाह से बचे, तो ये बड़ी बातें कही गई है मुस्लिम समाज द्वारा। जिला प्रशासन को सहयोग का आश्वासन भी दिया गया है और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं तमाम यहां पर मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित हैं और यहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है। साथ ही साथ आरोपियों को सख्त सजा की बात कही गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जहां सिरोही में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई है। यहां पर मुस्लिम समाज ने हथियारों की फांसी की मांग की है। उदयपुर में जो घटना घटित हुई है वो बड़ी बेदर्दी से उस आदमी का कत्ल किया गया है, जिसे देखकर हर आदमी को भी गुस्सा आ सकता है। हमें भी बुरा लगा क्योंकि ये ऐसा काम है जो एक दूसरों को छोड़ने के बजाय आपस में लड़ाने वाला काम हो गया और इससे पूरे मुस्लिम समुदाय के ऊपर आक्षेप आ रहा है, जबकि मुस्लिम समुदाय ये चाहता ही नहीं है कि इस तरह की बात हो। इसके लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। कल वाली घटना के लिए हमारा सिरोही का पूरा मुस्लिम समुदाय जो है उस घटना की पूरी तरह से भर्त्सना करता है और आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। जुड़ चुके हैं प्रदीप, उनसे जानना चाहेंगे। प्रदीप, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि अब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भी आगे आए हैं और उनका कहना है कि अब दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? प्रदीप, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? प्रतीक, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? प्रतीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज ने हथियारों की फांसी की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि अब जो है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय ने सभी आमजन से अपील की है। आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचे, मुस्लिम समाज का कहना है और वो जो है अब आगे आए हैं, जिला प्रशासन को सहयोग का आश्वासन भी दिया गया है।